भाई, ऊपर छत पे बैठी मेरी माता बहने, आप सभी को नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो सम्मानित मंच, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी कि जो हमने टाइम दिया था उसके कम से कम 4-5 घंटे लेट हम आए। कार्यक्रम चुनाव के इस प्रकार से होते हैं कि अपना बस नहीं चल पाता टाइम से पहुँचने पर, तो इसलिए माफ़ी चाहती हूँ और आपका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतनी रात को भी आप लोग हमें सुनने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए। आज आपके बीच में चुनाव प्रचार में हम वोट की अपील के लिए आए हैं। साइकिल का निशान है आने वाली 19 तारीख है, और सबसे पहले मैं अपने भाई अनमोल भाई की जो पीड़ा थी उसके लिए उन्हें आश्वस्त करना चाहती हूँ कि पिछले 5 साल का जो कार्यकाल आप लोगों ने देखा माननीय सांसद जी का, वैसी गलती मैं नहीं दोहराऊंगी, क्योंकि चुनाव बार बार आते हैं, हर 5 साल में आते हैं। अगर मैं ऐसा कुछ करूंगी तो आप लोग मेरा भी यही अशर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। इसलिए मैं आपको पहले ही कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं आज आपके बीच आई, आपने बुलाया, इसी तरीके से जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपके सुख दुख में, आपकी परेशानी में, मैं इसी तरीके से आपको आपके बीच में खड़ी मिलूंगी और मजबूती से आपकी लड़ाई लड़ने का काम करूंगी। ये जो चुनाव है इसमें हम प्रचार से के लिए काफ़ी दिन से लगे हुए थे, लेकिन जो ऊर्जा हमारे प्रचार को और 36 बिरादरी से जो हमें समर्थन मिल रहा था, जो ऊर्जा 7 तारीख के निर्णय के बाद हमारे प्रचार को मिली है, उससे जितना हौसला हमारा और हमारे समर्थकों का बढ़ा है, तो ये सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ और आपको यकीन दिलाती हूँ कि ये कर्ज है आपका मुझ पे कि मेरी जरूरत के वक्त में आपने जिस तरीके से मेरे सर पर हाथ रखने का काम किया, मेरा हाथ पकड़ने का काम किया, इसको मैं चाहे परिणाम कुछ भी हो सारी जिंदगी आपकी सेवा करके इसका कर्ज उतारने का काम करूंगी। लेकिन आपसे भी मेरी विनती है कि जैसे आज आपने मुझे अपनाया है, इसी तरीके से आप इस रिश्ते को कायम रखें। कुछ लोग बीच में, हमारे बीच में भी हो सकता है दूरियां पैदा करने आए, लेकिन आज ये जो आपका और हमारा इकट्ठा आना हुआ है, इसको दोनों ही तरफ से कोशिश रखनी पड़ेगी, इसी तरीके से रखने की, चाहे परिणाम कुछ भी हो। आप परिवार है, यहाँ 36 बिरादरी बैठी है और सभी का समर्थन है और सभी को आगे साथ लेकर हम चलेंगे। मेरे पिताजी इस क्षेत्र में कुछ वक्त के लिए उन्होंने काम किया और उनकी कार्यशैली से बड़े बुजुर्ग वाकिफ भी होंगे। वो कभी किसी एक बिरादरी, किसी एक जाति के नेता नहीं थे, सबके काम करते थे, सबको साथ लेकर चलते थे। जो उनके पास काम के लिए गया उन्होंने कभी किसी से ये नहीं पूछा कि कहाँ से आए हो, वोट दिया था या नहीं दिया था, किस बिरादरी के हो। वो बस काम में यकीन रखते थे और यही समझाते थे कि नेता की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, नेता की उसे सम्मान, उसका कर्तव्य है सभी जातियों का, सभी धर्मों का सम्मान करना। और अगर किसी एक की तरफ कोई नेता अपना झुकाव दिखाता है, वहीं से उसका खात्मा शुरू हो जाता है, जैसा आज आपके और हमारे सामने हो भी रहा है। तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहती हूँ कि भेदभाव की, धर्म जाति की कोई राजनीति मैं नहीं करना चाहती और अपने पिताजी की विचारधारा को आपके आशीर्वाद से आगे ले जाना चाहती हूँ। इसमें मुझे आपके सबके साथ की जरूरत है और पिछले 5-10 साल से जो कार्यकाल हमने देखा है, चाहे सरकार का कह लीजिए या अपने जनप्रतिनिधि का कह लीजिए, इसमें कोई वर्ग ऐसा नहीं है जिसका अपमान ना हुआ हो, चाहे रोजगार के माध्यम से, गुर्बत के माध्यम से हमारे किसान है उनके पेमेंट नहीं हो पाता, या फिर स्वाभिमान को ठेस पहुंचाना हो, तो हर वर्ग, हर समाज अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहा है और उसका बदला लेने का
हमारे पास एक ही तरीका है, वोट का माध्यम है। तो ये आपका वोट है, बहुमूल्य वोट है, बहुत कीमती वोट है। इससे आप किसी को बना भी सकते हैं और बदल भी सकते हैं। तो आने वाली 19 तारीख है, मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि आप लोग अपने इस कीमती वोट का, मतदान का अपने सही उपयोग करके साइकिल का बटन दबाकर इंडिया गठबंधन को मजबूती देने का काम करें। जैसे आप लोगों ने पिछली बार 90% वोट देकर, शायद हमारे माननीय सांसद जी मांगने भी ना आए हो, बिना मांगे आपने वोट दिया उन्हें, उन्हें मौका दिया। इसी तरीके से मैं आपकी, मैं क्षेत्र की बेटी हूँ, आपकी बेटी हूँ, बहन हूँ, तो आप सब मेरे बड़े हैं और आपसे बस एक मौका मांगने मैं भी आई हूँ कि आप लोग मुझे एक मौका दें आपकी सेवा करने का और अपना आशीर्वाद दें। और मेरे साथ जैसे आज खड़े हैं, इसी आशीर्वाद को 19 तारीख तक बरकरार रखकर इसे वोट में तब्दील करने का काम करें। और आपको यकीन दिलाऊंगी कि जैसे आज आई हूँ, इसी तरीके से लगातार आपके बीच रहने का काम करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद।